हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आज आप लोगों को एक नया चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाएंगे। आपका नया जो चैप्टर है तरंग वेव, तो वेव से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सब का, और जो वेव चैप्टर है यह हम लोग के लाइफ में भी यूज होता है। और अगर साइंटिफिक तरीके से अगर नाम देंगे तो आगे इस चैप्टर में आप लोगों को हम बताएंगे। और आप लोग हमारे इस चैनल पे नए लोग हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इस हमारे यूट्यूब चैनल पे ALP रेलवे के ALP, NTPC, JEE और टेक्नीशियन और ग्रुप डी के विभिन्न जो एग्ज़ाम की कक्षाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आप मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लासेज हो रही है। तो आज आपका नया चैप्टर है वेव, तरंग। तो तरंग क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर एक पूछा जाए तरंग क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी। तरंग क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ऐसे भी एक ऊर्जा का एक प्रकार है तरंग। अभी आगे आपको साउंड चैप्टर पड़ेगा, ध्वनि। ध्वनि क्या है? एक तरंग का रूप है। जिस प्रकार तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है और ध्वनि भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लोग कभी तालाब या तालाब में देखेंगे कि तालाब या समुद्र में लहर उठती है, तो लहर की भांति तरंग चलती है। क्या करती है? लहर की भांति क्या होती है? तरंग चलती है। और यह जो तरंग है, एक प्रकार की ऊर्जा या दो प्रकार की होती है। तरंग क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक यांत्रिक तरंग, एक क्या होती है? यांत्रिक तरंग। और दूसरा आपका होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। कभी कभी यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे? दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। एक यांत्रिक तरंग और दूसरा आपका क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और यांत्रिक तरंग के भी दो प्रकार हैं। यांत्रिक तरंग के क्या हैं? दो प्रकार हैं। जो यांत्रिक तरंग है इनके भी दो प्रकार हैं। यांत्रिक तरंग के दो कौन से प्रकार हैं? एक आपका अनुप्रस्थ होगा, अनुप्रस्थ तरंग, और एक आपका होगा अनुदैर्ध्य तरंग। एक आपका क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इन सबको भी हम आप लोग को बताते हैं ये क्या हैं। तो पहले आप लोग समझिए यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हैं। यांत्रिक तरंग वे तरंगे होती हैं जो किसी माध्यम में चलती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं या वे तरंगे होती हैं जो किसी माध्यम में चलती हैं, जैसे माध्यम आपका क्या होना चाहिए? ठोस, द्रव, गैस। जो तरंगे किसी माध्यम में होकर चलती हैं वह तरंगे क्या बोला जाता है? यांत्रिक तरंग बोला जाता है। और जो तरंगे माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चलती हैं ये क्या होता है? ये यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? ये माध्यम में चलती हैं। ये क्या होती हैं? माध्यम में केवल चलती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम में चलने के साथ साथ निर्वात में भी चलती हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चलती हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम में चलती हैं कि निर्वात में चलती हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं माध्यम और निर्वात दोनों में गमन करती है, और जो यांत्रिक तरंगे होती हैं केवल केवल माध्यम में गमन करती हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं प्रकाश के वेग से चलती हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं प्रकाश के वेग से चलती हैं, प्रकाश के वेग से चलती हैं, वेग से चलती हैं। तो दो तरंगे दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंगे हैं जो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आपका क्या होना चाहिए? ठोस, द्रव या गैस होना चाहिए। और विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन करती है। अब जो यांत्रिक तरंगे होती हैं दो प्रकार के होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे आप लोग समझिए एक ऐसी तरंगे होती हैं जब कोई तरंग आगे की ओर बढ़ता है
अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे होती हैं जब कोई तरंग आगे की ओर बढ़ता है तो जो उसके अगल बगल माध्यम होंगे, माध्यम आपका क्या होता है, ठोस द्रव गैस, या जो माध्यम है माध्यम के कण क्या होते हैं, लंबवत गति करते हैं या ऊपर नीचे गति करते हैं, तो वह आपका होता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे आप लोग समझने का प्रयास करिए, वह तरंगे जैसे तरंग आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तरंग क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन जो अगल बगल के माध्यम के कण हैं जैसे ठोस द्रव गैस, वह आपके ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, या आप इसे लंबवत भी बोल सकते हैं, आप इसे लंबवत भी बोल सकते हैं। आप लोग को किताब में देखेंगे तो यही लिखा है, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं कि जब कोई तरंग आगे की ओर बढ़ती है तो उसके जो माध्यम के कण होते हैं ऊपर नीचे या लंबवत गति करते हैं, वह आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो प्रकाश है एक प्रकार का क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है एक प्रकार का क्या है, आपका अनुप्रस्थ तरंग है। और जो प्रकाश है एक प्रकार का आपका अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे प्रकाश आपका कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और जो यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यह ठोस में चलती हैं, यह ठोस में चलती हैं और द्रव के ऊपरी सतह पर, और द्रव के ऊपरी सतह पर केवल दिखती हैं, द्रव के ऊपरी सतह पर गमन करती हैं। तो आप लोग अगर पूछा जाए, यांत्रिक तरंगे तो जानते हैं ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यह ठोस तो पूरे ठोस में गमन करती हैं, लेकिन द्रव के क्या होती हैं, ऊपरी सतह पर ही केवल गमन कर करती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तालाब में कोई अगर आप कोई पत्थर फेंकेंगे तो जल क्या करती है, वहां लहर उत्पन्न होता है, लहर ऊपर का जो होता है अप डाउन होता है, तो अप डाउन का मतलब क्या होता है, वह लंबवत गति करती है। तो वहां पे द्रव क्या हो रहा है, एक प्रकार का कौन तरंग उत्पन्न हो रहा है, आपका अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर वही तालाब में अगर किसी हम उसी तालाब में अगर कोई विस्फोट कर दिया जाए तो वह विस्फोट होने पर वह भीतरी भाग हो जाता है, जल का भीतरी भाग में हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग गमन करता है। अब अनुदैर्ध्य तरंग आप लोग समझने का प्रयास करिए, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगे होती है जब तरंग आगे की ओर बढ़ती है, जब तरंग क्या होती है आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन जो माध्यम के कण है वह तरंग की दिशा में समांतर गति करते हैं, तरंग की दिशा में समांतर गति करते हैं या आगे पीछे गति करते हैं, समांतर गति करते हैं या आगे पीछे गति करते हैं, तो ऐसे तरंगों को क्या बोला जाता है, आपका अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगे होती हैं जब तरंग क्या हो आगे की ओर बढ़ रही हो, लेकिन जो माध्यम के कण है, माध्यम आपका क्या होना चाहिए, ठोस द्रव गैस, यह जो तरंग के क्या होती है समांतर गति करती है, तो वहां कौन सा तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। और यह जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है यह आपके ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलता है, यह आपके ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यम में यह गमन करता है, ठोस द्रव गैस या तीनों माध्यम में गमन करता है। और ध्वनि हमारा क्या है, एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि या साउंड हमारा एक प्रकार का क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और जब यह जब अनुदैर्ध्य तरंग समांतर गति करती है तो यह आगे समांतर गति करती है या आगे पीछे गति करती है, तो एक जगह पर क्या होती है, मिलती है या एक तरह एक जगह पर दूर जाती है। जहां पर मिलती है वह होता है आपका संपीड़न, यहाँ जहाँ पर मिलती हैं वह आपका होता है संपीड़न होता है, और जहाँ दूर जाती हैं यह आपका क्या होता है, विरलन, यह क्या होता है, विरलन। जहाँ मिलती हैं वह आपका होता है संपीड़न, और जहाँ दूर जाती हैं वह आपका होता है विरलन। इसी प्रकार जब अनुप्रस्थ तरंग जब लंबवत गति करती हैं तो ऊपर की ओर आपका श्रृंग बनता है और नीचे की तरफ क्या होता है, गर्त बनता है। यहाँ ऊपर की ओर आपका क्या होगा, जैसे यहाँ श्रृंग बनेगा और यहाँ पे क्या होता है, गर्त बनेगा, यहाँ पे गर्त बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, श्रृंग बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, गर्त बनेगा। तो आप लोग समझिएगा कैसे, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए क्या है, कोई तरंग आगे की ओर बढ़ रही है तो यहाँ देखेंगे ऐसे अप डाउन करता है, ये लंबवत गति कर रहा है, तो यहाँ कौन सा गति हो रहा है, अनुप्रस्थ तरंगे की भात को बता रहा है। तो यहाँ जो यह हो आपका श्रृंग होता है और यह जो नीचे का भाग होता है वह आपका गर्त होता है,
यह ऊपर का भाग आपका श्रृंग होता है, नीचे का भाग आपका गर्त होता है, यह भी आपका श्रृंग है, यह आपका श्रृंग है और नीचे का भाग आपका गर्त होता है। यहाँ जितनी ऊंचाई पर गमन करती है तो यहाँ ये जो ये ऊंचाई है मतलब श्रृंग जितनी तरंग से माध्यम जितनी ऊंचाई पर गर्त करती है यह आपका आयाम होता है। यह क्या है? आपका आयाम है। यह आपका क्या है? आयाम है। तरंग मतलब कितनी ये जो माध्यम के कण हैं या तरंग से कितनी ऊंचाई पर गमन कर रही हैं, कितनी क्षेत्र में फैल रही हैं, वह आपका क्या होगा? आयाम होगा। और दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है जो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, आपका तरंग दैर्ध्य होती है। जो श्रृंगों और दो तरंगों के बीच की दूरी आपका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। यह आपका क्या है? तरंग दैर्ध्य है। यह आपका क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो आप लोग अनुप्रस्थ तरंग में क्या क्या समझे हैं? अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? माध्यम के जो तरंग आगे की ओर बढ़ती है तो माध्यम के कण क्या होते हैं? लंबवत गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। और जो प्रकाश एक प्रकार का आपका अनुप्रस्थ तरंग है और जो ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अनुप्रस्थ तरंग में जब तरंग आगे की ओर बढ़ती है तो वह श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। और वही बात किया जाए अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग जब आगे बढ़ती है तो संपीड़न और विरलन की भांति आगे की ओर मतलब गति करती है। जब अनुदैर्ध्य तरंग में जब तरंग आगे की ओर बढ़ती है तो माध्यम के कण संपीड़न और विरलन की भांति आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी या दो संपीड़नों या दो विरलन के बीच की दूरी आपका क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। और आयाम क्या होता है? यह आयाम आपका दो जो तरंग आगे की ओर बढ़ता है तो क्या है? जब तरंग आगे की ओर बढ़ता है तो कितनी चारों तरफ मतलब आयाम श्रृंग कितना ऊंचाई पर गया है माध्यम के कण, वह आपका आयाम होता है। तो यह हमें आशा होगा या आप लोग समझ लिए होंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। तो एक होता है तरंग दैर्ध्य, आपको बता दिए, आयाम हो गया। एक आपका क्या होता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति आपका क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रति सेकंड होने वाले कंपन को या कंपन की एक सेकंड में जितना कंपन होता है वह आपका आवृत्ति होता है। और आवृत्ति को यन से डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी म्यू भी दे दिया जाता है। और आवृत्ति बराबर होता है 1/T मतलब आवर्त काल। आवृत्ति बराबर 1/T इसका मतलब होगा आवर्त काल। आवृत्ति बराबर 1/T क्या होगा? आवर्त काल। तो आप लोग समझ लिए गए अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ आप लोग देखते हैं, हम आप लोग को हम क्या बताएं? एक आयाम बताएं, एक आयाम और तरंग दैर्ध्य और आपका क्या है? आवृत्ति है। आपका क्या है? आवृत्ति। और आपका एक वेग हम ले लेते हैं। अब आपको जो तरंग का वेग होता है, वेग फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आवृत्ति का हम फार्मूला आप लोग को पहले क्या बताएं, पहले यह देख लीजिए आवृत्ति बराबर क्या होता है। आवृत्ति या एन बराबर क्या होता है? 1/T। टी आपका क्या होता है? आवर्त काल होता है। आवर्त काल कंपन कितना समय में वह घूम रहा है। और जो वेग होता है, जैसे तरंग का जो वेग होता है इसका फार्मूला होता है, तरंग का वेग, वेग का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। अब आवृत्ति को यन से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से डिनोट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तरंग दैर्ध्य किससे डिनोट किया जाता है, तो लेमडा से डिनोट करते हैं। आवृत्ति को यन और तरंग के वेग को भी से डिनोट करते हैं। तो यह फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें दो ही फार्मूला मेन है आपके एग्जाम के लिए, एक एन बराबर, इन फार्मूलों को पूछ लिया जाता है। एन बराबर क्या होता है? 1/T आवर्त काल। और तरंग का वेग क्या होगा? एन इंटू लेमडा। और आप लोग समझिएगा, अगर तरंग की चाल को अगर कांस्टेंट किया जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा?
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा बराबर वन लेमडा तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल क्या होगा, यह वन अपान एन। मतलब आप लोग यहाँ समझिएगा, अगर कि तरंग का वेग को क्या किया जाए, कांस्टेंट किया जाए, तो लेमडा प्रोपोर्शनल क्या होगा, वन अपान एन। इसका मतलब यह है कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो एन का मान घटेगा। मतलब तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति हमेशा कम होगी, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा आवृत्ति कम होगी, और आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी हम आप लोग को बताए थे शुरू शुरू में कि यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंगे होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इनका क्या होता है, इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य कम होता है। ये तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब यह है कि उसकी आवृत्ति अधिक होती है, और जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनकी क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है। इनकी क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है। जब इनकी आवृत्ति अधिक होती है तो इसका आवृत्ति का मतलब यह है, इसकी आवृत्ति अधिक होती है तो तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगा, कम होगा। तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगा, कम होगा। और जब आवृत्ति अधिक है तो आवृत्ति क्या होती है, तरंग की ऊर्जा को बताता है। आवृत्ति क्या होती है, तरंग की ऊर्जा को बताता है। जब आवृत्ति अधिक है तो उस तरंग की क्या होती है, ऊर्जा भी अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कोई आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, और उनकी आवृत्ति अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक, क्योंकि ऊर्जा क्या होता है, आवृत्ति को बताता है। और क्या होती है, इनका जो वेग होता है, इनका वेग मतलब इनका वेग प्रकाश के वेग से के समान चलती है, इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के समान चलती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटान की बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, फोटान की बनी होती हैं। और यह लमसम 7-8 प्रकार की होती हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है, कौन कौन सा है, आप लोग समझिएगा। पहला होता है गामा किरण, पहला क्या होता है, गामा किरण। और दूसरा क्या, यह हम आपके आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम को बता रहे हैं, गामा किरण। उसके बाद आपका होगा एक्स किरण, गामा किरण, एक्स किरण। उसके बाद होगा पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। उसके बाद होगा आपका पराबैंगनी किरण, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, आपका अवरक्त किरण, अदृश्य किरण। यहाँ पहला आपके दृश्य किरण, दृश्य किरण। उसके बाद आपका होगा दृश्य किरण के बाद आपका अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण के बाद आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपका अवरक्त किरण के बाद आपका होगा सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। उसके बाद आपका होगा सूक्ष्म तरंग, इसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग, अलघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग। इससे बड़ा होगा आपका दीर्घ रेडियो तरंग। तो आप लोग समझिएगा, जो यह विद्युत चुंबकीय किरण है तो जो गामा होता है, गामा की आवृत्ति अधिक होती है। जो गामा किरण होती है इसकी आवृत्ति अधिक होती है तो इसमें ऊर्जा अधिकतम होता है। जो गामा किरण होती है इसकी आवृत्ति अधिक होती है, जब आवृत्ति अधिक होगी तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। उसके बाद उससे बड़ा होता है एक्स किरण, एक्स किरण के बाद होता है बड़ा आपका पराबैंगनी किरण, उसके बाद दृश्य किरण, उसके बाद होता है अवरक्त किरण, उसके बाद आपका होता है सूक्ष्म तरंग,
उससे बड़ा होता, उससे मतलब ये लघु रेडियो तरंग, उसके बाद आपका दीर्घ रेडियो तरंग। मगर दीर्घ रेडियो बात की जाए इसकी क्या होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। सबसे अगर पूछा जाए इन किरणों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो आपका आंसर होगा गामा किरण की। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरण की। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, दीर्घ रेडियो तरंग की। और सबसे तरंग दैर्ध्य किसका सबसे अधिक होगा, दीर्घ रेडियो तरंग का। और तरंग दैर्ध्य किसका सबसे कम होगा, आपका गामा तरंग का। जो गामा तरंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और जो दीर्घ रेडियो तरंग होता है इसका तरंग सबसे अधिक होता है। तो इन सबसे क्या होता है, एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय किरण है। तो अगर आपको याद रहेगा इन किरणों का नाम, तो आप आसानी से एग्जाम में आंसर दे लेंगे। तो यह आपका तरंग से कुछ संबंधित फैक्ट हम आप लोग को बता दिए हैं। अब इन पर हम क्वेश्चन करते हैं, और जो जो भी छूट गया होगा तो हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की भांति आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो पहले क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग बता देते हैं थोड़ा सा। जो गामा किरण होती है, गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है 10^-14 से लेकर 10^-10 मीटर तक होता है। और इसकी खोजकर्ता बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने की। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है गामा किरण के खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक है, तो बैकुरल नामक वैज्ञानिक है। और जो यक्ष किरण होती है, तो गामा किरण को अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां रदरफोर्ड नामक ने इस किरण का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। और यक्ष किरण जो होती है इसका खोज राटंजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जो यक्ष किरण होती है हम लोग को चिकित्सा में इसका बहुत यूज होता है। कभी कभी चिकित्सा में आप लोग एक्सरे कराने जाते हैं तो वह यक्ष किरणों से ही उसका क्या होता है, एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का क्या होता है, छवि बनाई जाती है। और जो तीसरा क्या होता है, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया है, रिटर्न नामक वैज्ञानिक। रिटर्न नामक वैज्ञानिक ने पराबैंगनी किरण की खोज की। और जो पराबैंगनी किरण का यूज क्या है, यह क्या होती है, यह पराबैंगनी किरण जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनको मारने का यह काम करती है। और सब इन सब का यूज है तो हम क्वेश्चन की भांति आप लोग को समझाएंगे। और जो चौथा है आपका दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण आपका कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। तो दृश्य विकिरण क्या है कि जैसे हम कोई वस्तु देख रहे हैं वो दृश्य विकिरण की भांति से ही देख रहे हैं। और अगला आपका होता है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण कौन से वैज्ञानिक ने खोज की, हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरण की खोज की। तो अवरक्त किरण क्या है, हम लोग कभी कभी या और लाइफ में यूज भी होता है कि सबके घरों में टीवी होगा तो उसके बाद आप लोग के हाथों में एक रिमोट भी होगा। और रिमोट को बटन दबाने से क्या होता है, चैनल बदल जाता है। तो चैनल वो बदलने की प्रक्रिया में कौन सा तरंग यूज होता है, आपका अवरक्त विकिरण या अवरक्त तरंग का यूज होता है। कौन सा तरंग का, अवरक्त तरंग का। और खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक ने है, इसके हर्सेल नामक वैज्ञानिक है। अगला आपका है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग क्या होता है, हेनरिक नामक हर्ज नामक वैज्ञानिक ने खोज की। और अगला है दीर्घ रेडियो तरंग, या मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने खोज की। या जो रेडियो तरंग है, या रेडियो के जो रेडियो टेलीविजन जो चलते हैं रेडियो तरंग से ही चलते हैं, तो उनका यूज क्या होता है, टेलीविजन और रेडियो में होता है। एक आपका अभी हम आप लोग को बताए थे सूक्ष्म तरंग क्या होता है, सूक्ष्म तरंग जो माइक्रोवेव आजकल यूज होता है, सूक्ष्म तरंग यह भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो सबसे अगर सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, तो आपको गामा किरण की है। और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, दीर्घ रेडियो तरंग की है। सबसे कम आवृत्ति किसकी है, दीर्घ रेडियो तरंग की। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, दीर्घ रेडियो तरंग की। तो इन सबको चलिए क्वेश्चन की भांति आप लोग समझने का प्रयास करिए। यह जो क्वेश्चन है आपके ALP रेलवे या ग्रुप डी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, यह एक प्रकार का तरंग है। तरंग दो प्रकार का है, अभी आप लोग को बताएं, एक यांत्रिक तरंग, एक दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वह 7-8 प्रकार की होती है, हर एक किताबों में एक अलग अलग क्या है लिखा गया है। तो मुख्य आप लोग जान लीजिए, गामा किरण, यक्ष किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, उसके बाद आपका अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, दीर्घ लघु तरंग और दीर्घ तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। यह सब क्या है, आपका
सूक्ष्म तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इन सब में आप लोग देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया गया, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा जा रहा है, लेकिन देखिए कौन सा इसमें तरंग आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला इसमें अल्फा किरण है, ऑप्शन बी में श्रव्य तरंग है, ऑप्शन सी में एक्स किरण है, ऑप्शन डी में बीटा किरण है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वह आपका क्या होता है, एक्स किरण होता है। पहला अभी हम आप लोग को क्या बताएं, गामा किरण, गामा किरण। दूसरा आपका एक्स किरण, तीसरा आपका पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। चौथा आपको क्या बताएं, अवरक्त किरण, अदृश्य किरण, दृश्य किरण के बाद अवरक्त किरण है, दृश्य किरण, दृश्य किरण। फिर उसके बाद अवरक्त किरण, अवरक्त किरण के बाद आपका क्या हम बताएं, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। उसके बाद आपका लघु तरंग, लघु रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। उसके बाद आपका दीर्घ रेडियो तरंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 दीर्घ रेडियो तरंग। तो सबसे अगर पूछा जाए इसमें देखिए इन सब ऑप्शन में कहीं मेल खा रहा है तो आपका होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। जो एक्स किरणें हैं आपका कैसा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा बीटा गामा आप लोग नाम तीनों एक साथ सुने होंगे, अल्फा बीटा गामा, कभी कभी यहाँ पे भ्रमित हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो आपका गामा होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, अल्फा बीटा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपका सी इसमें ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य का सबसे कम, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कलर से, किस कलर का तरंग दैर्ध्य किस सबसे कम होता है, तो यह आप लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे। जब प्रिज्म से जब कोई वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है तो सात रंग में जो भिन्न भिन्न कलर बढ़ते हैं तो वहां विभिज्ञोर बनता है। विभिज्ञोर का मतलब क्या है, VIBGYOR। विभिज्ञोर में आप लोग समझिएगा, वी आपका क्या होता है बैगनी, आई मतलब इंडिका, बी मतलब ब्लू, जी मतलब आपका ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड या लाल। जो बैगनी किरण होगा सबसे जो नीचे किरण होती है इसका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसका सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। और इसी प्रकार आप रेड कलर में देखेंगे, रेड कलर का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और यही इसकी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जैसे हम लोग जो रेड कलर होता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब यह है कि वह अधिक लंबी दूरी तक साफ सुथरी दिखती है, अधिक लंबी दूरी तक। जैसे कोई प्रकाश, जैसे कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब जलने, बल्ब कोई जल रहा है तो बल्ब जैसे जलता है तो वह मान लीजिए व्हाइट कलर का जल रहा है तो वह क्या कर रहा है, प्रकाश फैलाने का काम कर रहा है। प्रकाश जितना वह नजदीक ज्यादा फैला देगा तो वह क्या होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य वह कम हो, उसकी हो जाती है। और जो प्रकाश न फैलाए लेकिन उसकी जो देखने की जो उसकी देखने की जो उसकी तरंग है वह बहुत दूर तक साफ सुथरी दिखे तो वह मतलब वह तरंग दैर्ध्य उसका क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसका आवृत्ति कम होता है। जब आवृत्ति कम होता है इसमें ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। सबसे कम क्या पूछा जा रहा है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तो आपका बैंगनी रंग का जो है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता होगा। और लाल क्या होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। यह आपके रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में क्या कहा जा रहा है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। तो अभी हम तरंग चाल का फार्मूला आप लोग को हम क्या बताएं, वी बराबर होता है एन लेमडा। वी बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। जब वेग को क्या किया जाए, स्थिर किया जाए, मतलब एन बराबर क्या होगा ना, एन प्रोपोर्शनल 1/लेमडा। वेग को क्या कर दिया जा रहा है, स्थिर कर दिया जा रहा है। अगर तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाएगी तो आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। तो यह आपका जो है यह वाला ऑप्शन सही है। अगर तरंग दैर्ध्य क्या है, वह तरंग दैर्ध्य को क्या किया जा रहा है, आधी रखी जा रही है तो जो आवृत्ति है वह दुगुनी हो जाएगी। जो आवृत्ति है वह क्या होगी, दुगुनी हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य को अगर आप लोग आधा करेंगे तो
तो जो आवृत्ति है यहाँ कहते दो भाग में है, तो यहाँ कहते गुड़ा में जो तरंग दैर्ध्य है वो अगर आप आधी रखेंगे, तरंग दैर्ध्य क्या किया जा रहा है यहाँ नहीं, आप समझने की प्रयास करिए, गलत हो रहा है। तो जो तरंग दैर्ध्य हो, तरंग को तरंग दैर्ध्य को क्या किया जा रहा है, लेमडा बाई टू कर दिया जा रहा है। लेमडा बाई अगर टू करेंगे तो टू क्या होगा, यह ऊपर चला जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू अपान लेमडा हो जाएगा। मतलब यह क्या हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू गुड़े वन अपान लेमडा। यहाँ यह समझिए जो दो से क्या हो रहा है, गुड़ा हो जाए, दो से यहाँ गुड़ा हो जाए तो यह समानुपाती, समानुपाती के समानुपाती में है, तो मतलब एन का मान क्या दोगुना बढ़ रहा है। तो यह आपका इस हिसाब से सही है। और जो जो कारण है आपका वेग होता है वो आपका आवृत्ति गुड़े तरंग दैर्ध्य होता है, यह भी सही है अभिकथन। और जो कारण है यह आपके दोनों सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, जो कारण है वह अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, क्योंकि जो फार्मूला का यूज अभिकथन में आपके हो रहा है, कारण का यूज क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो यह आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका यूज हम लोग के लाइफ में बराबर होता है। अगर आप इसको सही से अध्ययन करेंगे तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग की, तरंग चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन तरंग के कुछ शब्द आप लोग को याद होना चाहिए कि तरंग में मुख्य विशेषता कौन कौन से शब्द हैं। पहला आपका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है या किससे डिनोट किया जाता है, इसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है आपका आवृत्ति। दूसरा आपका क्या है, आवृत्ति, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, यन से डिनोट किया जाता है। तीसरा आपका क्या है, वेग। तीसरा क्या है आपका, वेग, इसे भी से डिनोट किया जाता है। चौथा आपका क्या है, आयाम। चौथा आपका क्या है, आयाम। तो इन सब का यूज क्या होगा, यह तरंग की विशेष या शब्द है, या शब्द है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इनमें से नहीं है। तो जो डी है यह आपका नहीं है, आपका तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य है, आयाम है, और जो आवृत्ति है यह तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम या तरंग की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। या आपके देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएं, जो आवृत्ति होती है वह क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य का होता है, यह उल्टा अनुपात होता है। मतलब यह समझिए कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति का मान घटेगा। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है। जब आवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति मतलब यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लेमडा का मान क्या होगा, हमेशा घट जाएगा, क्योंकि यह इसको, इसके जो आवृत्ति होती है जो तरंग दैर्ध्य के उल्टा उल्टा अनुपात में होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा, जो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, घट जाती है। तो घट जाती है, इसका देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया यह बढ़ जाती है, ऑप्शन बी में यह एक समान रहती है, ऑप्शन सी में यह घट जाती है, ऑप्शन डी में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यह क्या होती है, घट जाती है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित का मिलान करें, पहला यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनका प्रयोग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग हम लोग के लाइफ में हमेशा हो रहा है, तो इन सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्या है, जो रेडियो तरंग है किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो तरंग में आपका सेलुलर फोन में किया जाता है, जो रेडियो तरंग होता है आपका सेलुलर फोन में किया जाता है। जो मोबाइल आप लोग चलाते हैं या कैसे चलती है, तरंग की रेडियो तरंग से चलती है। और जो अवरक्त किरण है यह आपका रिमोट घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में चलता है, अवरक्त किरण घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में उपयोग होता है। और आपका जो सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म तरंग आपका कैंसर के नष्ट में चलता है, कैंसर को क्या किया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। जो गामा किरण है विमान नेविगेशन रडार में उपयोग किया जाता है, जो गामा किरण होता है वो आपका विमान नेविगेशन रडार में उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, इसमें आपका देखिए कौन सा मिल रहा है, पी तीन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं तो वह कैंसर में नहीं है, आपके विमान नेविगेशन में, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा।
कभी इसका उपयोग एग्जामों में जरूर पूछा जाता है, आप लोग को उपयोग इसका याद होना चाहिए। उपयोग याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जो रेडियो तरंग आपका होता है सेलुलर फोन में यूज होता है, और आपका जो सूक्ष्म तरंग है आपका विमान में यूज होता है, और इसके बाद आपका जो अवरक्त किरण होता है या आपका रिमोट में यूज होता है, और आपका जो गामा किरण होता है कैंसर की कोशिकाओं के नष्ट करने की दवा में होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पी तीन को दिखा रहा था, तो देखिए पी इसमें इसमें तीन इसमें भी है इसमें भी है, क्यू आपका दो में है इसमें देखिए नहीं है इसमें है, और आर आपका वन को डिनोट कर रहा है, यस आपका फोर्थ को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो रेडियो तरंग आपके सेलुलर फोन में उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन में उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरणें आपका घरेलू इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट स्विच में उपयोग किया जाता है, और गामा किरणें क्या होती हैं कैंसर कोशिकाओं के नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। तो यार देखिए आप लोग दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। मतलब टेलीविजन के रिमोट का यूज होता है तो उसमें एक किरण का यूज होता है, वह किरण क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और वह कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला दिया है ध्रुवित, ऑप्शन बी में पराबैंगनी, ऑप्शन सी में अवरक्त, ऑप्शन डी में एक्सरे। तो वह आपका होगा सी, ऑप्शन सी, जो अवरक्त किरण होती है यह प्रकार के टेलीविजन रिमोट के उपकरण में क्या होता है इसका उपयोग किया जाता है। यह आपके देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डॉट डॉट कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वह कण के संचरण की दिशा में किधर कंपन करती हैं। तो हम आप लोग को बताए थे कि तरंग क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें, और यांत्रिक तरंगें हमेशा माध्यम में चलती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चलती हैं। उसके बाद आप लोग को हम यह भी बताएं जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग। दो अनुप्रस्थ तरंग में आप लोग को यह बताएं जब तरंग आगे की ओर बढ़ता है तो उसके चारों तरफ जो माध्यम होते हैं माध्यम क्या होते हैं कंपन करने लगते हैं, और वह कंपन किस दिशा में होता है, लंबवत की दिशा में होता है, ऊपर नीचे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वहां आपका होता है अनुप्रस्थ। और जब माध्यम के कण जब तरंग आगे की ओर चलती है तो उसके जो कण होते हैं समांतर गति करते हैं, उसके साथ गति करते हैं, तो वह आपका क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ध्वनि एक प्रकार का क्या है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा समानांतर जो गति करता है ऑप्शन डी सही होगा। जो अगर लंबवत की बात आ जाए तो वह आपका क्या होगा अनुप्रस्थ होगा, अनुप्रस्थ जो प्रकाश है यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अगर यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा है तो वह आपका क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं यह ठोस में चलती हैं, और ठोस के साथ साथ यह द्रव के ऊपरी सतह पर होती हैं, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के क्या होती हैं ऊपरी सतह पर होती हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं यह ठोस द्रव और गैस तीनों में चलती हैं, ठोस द्रव गैस यह तीनों में चलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुप्रस्थ तरंग ठोस द्रव के ऊपरी सतह में केवल चलती है, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलती है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन डी। यह भी आप लोग दोस्तों देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों आज हम आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अभी तो क्वेश्चन और है लेकिन आप लोग को यह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम आप लोग को जितना बताए हैं फैक्ट को उतना पहले आप रिवीजन करके कल की क्लास में आइएगा, तो कल हम आप लोगों को इसका पूरा क्वेश्चन करा देंगे या जो क्वेश्चन आपके रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर नए लोग हों या पुराने भी लोग हैं तो आप लोग जरूर एक प्रयास करिएगा, जो नए लोग हों वो सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करने का भी काम करिए, और हमारे कनेक्ट टू एग्जाम से कनेक्ट होइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन बहुत है,
कंपटीशन बहुत होने के लिए आपकी मेहनत भी दुगनी होनी चाहिए। जिस प्रकार का मेहनत आप लोग दुगनी करेंगे तो आप लोग सिलेक्शन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिलेक्शन होने के लिए आप लोग को मेहनत बहुत करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।